जल्द ही पूरी होगी चांद पर जीवन की तलाश, मंगल ग्रह का भी साफ होगा रास्ता। जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चांद को लेकर यह सबसे ताजा अपडेट है। नासा का आर्टेमिस 3 इस दिशा में सहायता प्रदान कर रहा है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि आने वाले समय में दुनिया के सामने चांद के नए रहस्यों का बड़ा खुलासा हो सकता है। चांद को लेकर अब तक जितने भी मिशन चलाए गए हैं, उनमें नासा का ये मिशन सबसे अनोखा माना जा रहा है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर पहले से ही जीवन हो सकता है। वास्तव में चांद पर बसने के लिए पिछले काफी समय से अनुसंधान चल रहा है। वैज्ञानिक वहां पर रहने के लिए पृथ्वी जैसी उचित वायुमंडल पर और परिस्थिति की तलाश कर रहे हैं। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका साल 2025 तक अपने इस मिशन को कामयाब बनाना चाहता है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों की भरपूर मदद की जा रही है। अमेरिका नासा को आर्थिक तौर से तकनीकी तौर पर समृद्ध कर रहा है। आपको बता दें कि क्या है आर्टेमिस 3 का मकसद। दरअसल नासा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 1972 के बाद आर्टेमिस 3 के माध्यम से ये पहली मानव चंद्र लैंडिंग होगी। लेकिन फिलहाल नासा की सबसे बड़ी चुनौती चांद पर आर्टेमिस 3 की सुरक्षित और रिसर्च योग्य सफल लैंडिंग के लिए उचित जगह की तलाश करना है। नासा इसके साथ ही चांद पर केवल मानव जीवन की संभावना की ही तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि वहां पहले से मौजूद जीवन का भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि वहां सूक्ष्म रूप में जीवन की उपलब्धता हो सकती है। आखिरकार नासा के नए शोध में क्या है। आपको बता दें कि मैरीलैंड के ग्रीनबिट में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक ग्रह शोधकर्ता प्रबल सक्सेना ने सुझाव दिया कि चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास जीवन की संभावना अपेक्षित है। चांद पर दक्षिणी ध्रुव सबसे जटिल माना जाता है, इसीलिए ये परीक्षण काफी कठिन माना जाता है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक इसे ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रबल सक्सेना के मुताबिक उनकी टीम ने पाया है कि दक्षिणी ध्रुव कुछ विशेष किस्म के माइक्रोबियल लाइफ के लिए सबसे सुरक्षित स्थान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह समझने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किस प्रकार की विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इन सब के बीच इसकी धरती से कनेक्शन की क्या संभावना है। दरअसल नासा के वैज्ञानिक इस बात का भी पता लगाने में जुटे हैं कि क्या पृथ्वी के इतिहास के नमूने चंद्रमा की सतह पर दिखने वाले गड्ढों में छिपे हो सकते हैं। नासा के एक अन्य वैज्ञानिक हीथर ग्राहम ने कहा है, उल्कापिंड के स्रोतों से कार्बनिक अणुओं का हस्तांतरण बहुत संभव है। यह उल्कापिंड विश्लेषण में देखा भी गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारे पास चंद्रमा पर इंसानों और उनकी वस्तुओं या वहां के सूक्ष्म जीवों के 50 साल का इतिहास होगा, जिसके आधार पर आगे के अनुसंधान किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चांद पर हमारी रणनीति कामयाब हो जाती है तो मंगल ग्रह को लेकर अनुसंधान का नया रास्ता भी खुलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।